ओम शांति। मैं डॉक्टर सचिन परब मुंबई से हूं और गत अनेक वर्षों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। 31 मई ये पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिन इस रूप में मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल डे है। तंबाकू इस समय वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय 195 देश या 195 कंट्रीज में से 182 देश अपने देश से तंबाकू को निकालना चाहते हैं। क्यों ये वैश्विक महामारी बन चुका है? जागतिक स्वास्थ्य संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस समय पूरे विश्व में 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के वजह से होती है। और खेद की या चिंता का विषय यह है कि इसमें से 13 लाख लोगों की मृत्यु अप्रत्यक्ष धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग या निष्क्रिय धूम्रपान की वजह से होती है, जिनका कोई दोष नहीं होता है। और इसमें 65,000 बच्चे भी हैं। तो तंबाकू ये पूरे विश्व के लिए खतरा है और हर देश का ये दुश्मन बन चुका है। ये केवल व्यक्ति, परिवार, समाज और देश को ही ख़त्म नहीं कर रहा है, लेकिन प्रकृति को भी नुकसान कर रहा है। इसके जो सिगरेट्स के जो टुकड़े होते हैं, ये वो प्रकृति में पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए पूरा विश्व इसको निकालना चाहता है। भारत में भी इसने तहलका मचा चुका है। भारत में पूरे साल भर में 13.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। सो लगभग 3,600 लोग रोज़ तंबाकू के वजह से मरते हैं। और ये तंबाकू की कंपनियां हर वक्त नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते हैं। पहले तो सादा तंबाकू होता था जिसको हाथ के ऊपर रगड़ा जाता था, फिर इन्होंने सिगरेट या फिर बीड़ी लाया, फिर इन्होंने गुटखा पाउच लाया जो कि लंबे समय तक चलता है। और उसके वजह से अलग अलग चैलेंजेस हमारे सामने, नई नई बीमारियां आ रही है। अभी इन्होंने हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स या जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स लाए हुए हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट क्या करते हैं, तो इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है। अमेरिका इस समय या वेस्टर्न कंट्रीज इसके ऊपर जूझ रहे हैं, एक पॉपकॉर्न लंग नाम की बीमारियाँ, क्योंकि इसमें एक केमिकल इस्तेमाल होता है डायसिटाइल करके, जिससे फेफड़ों को नुकसान होता है। और ये कंपनियां इतनी शातिर है कि ये नए नए तरीके से लोगों को लुभावने एडवर्टाइज के द्वारा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे या युवा, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 50% लोग जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं वो तंबाकू से होने वाली बीमारियों से मरने वाले हैं। अगर इतने लोग मर गए तो बिजनेस नहीं चलेगा, इसलिए नए कस्टमर की ज़रूरत है। और इनके नए कस्टमर है स्कूल कॉलेज के बच्चे। तो मूवीज़ के द्वारा या एडवर्टाइज़ के द्वारा, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड या जितने भी वुड भारत में है, तो वो सब इन बच्चों को आकर्षित करने के अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करते। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है ब्रह्मा कुमारी, प्रिवेंशन और इलाज दोनों में हम कारीगर हैं। भारत में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समाज कल्याण मंत्रालय के साथ ब्रह्मा कुमारी इसने MOU या समझौता साइन किया है 3 साल का। तो हम पूरे भारत के सभी राज्यों में इसके ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं। विशेष मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चों को इसमें बचाना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि अगर कोई इसमें फंसा हुआ भी है, अगर वो तंबाकू को छोड़ता है तो उसके शरीर में जो चेंजेस हुए वो रिवर्स हो सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी जो राजयोग मेडिटेशन सिखाता है उससे कई लोगों का नशा छूट चुका है, ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज से हमने देखा हुआ है। तो आप में से भी अगर कोई तंबाकू का नशा छोड़ना चाहता है तो हमारे नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी केंद्र से संपर्क करें। यहाँ निःशुल्क राजयोग सिखाया जाता है। और साथ में ही अगर आप अपने किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गांव में, शहर में, कहाँ पर भी ऐसे नशा मुक्ति के प्रवचन आप रखना चाहते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चाहते हो, तो हम खुशी से आपके साथ ये सेवा करने को तैयार हैं। तो आइए
आज इस विश्व तंबाकू निषेध दिन पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि ये जो विश्व का दुश्मन है, इस समय की सबसे बड़ी महामारी है, इसको हम रोके, हमारे जीवन में आने नहीं दे। और लोगों को मैं सब अपील करता हूँ जो इसको बेच रहे हैं या इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अपना परिवार, अपना देश और विश्व के लिए इसको छोड़े। और अगर आप किसी भी प्रकार के इसमें सहायता चाहते हो तो नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से या हमसे संपर्क करें। ओम शांति।